So hey guys, good morning, welcome back to another vlog and day 7 of bulk. So अभी सुबह के बज रहे 7:30, मैं 7 बजे उठा था, फ्रेश हुआ, मूड हुआ अपना और अभी जा रहा हूँ अपना प्री लेने। आज प्री में हम जस्ट 2 बनाना खाने वाले हैं क्योंकि घर पे ब्रेड नहीं था, मैं लाना भूल गया था रिस्टॉक करना, तो इस वजह से आज के प्री वर्कआउट में सिर्फ बनाना खाएंगे और जिम चल के हिट करते हैं चेस्ट वर्कआउट हमारा। मोस्टली मैंने नोटिस किया है, जब जब मेरा लेग्स वर्कआउट रहता है तब तब मेरा वर्कआउट सेशन मिस हो रहा है। कोइंसिडेंसली हो रहा है या कैसे हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मंडे को मेरा लेग शोल्डर रहता है और मंडे को ही मेरा वर्कआउट मिस हो रहा है। तो खैर जो भी है, अभी फ़िलहाल चलता हूँ, ये फिनिश करता हूँ प्री वर्कआउट और जो हमारा प्री वर्कआउट जो ड्रिंक है वो हम लोग जिम जाके लेंगे, बिकॉज अक्सर ये हो रहा है कि मैं वो प्री वर्कआउट निकलने से पहले पी रहा हूँ, वो जिम जाते जाते हीट करने लग रहा है, तो कोई मतलब नहीं हो रहा है उसका। तो अभी जस्ट ये खा लेता हूँ 15-20 मिनट पहले और जिम जाके हम पी पी के फिर वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलता हूँ, ये फिनिश करके मैं मिलता हूँ आप लोग। सो गाइस चेक करो, हम लोग का पीआर वेट जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। खैर ये तो सेकंड सेट है मैं जो चेस्ट के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, आज के चेस्ट वर्कआउट के लिए 17.5 kg। और देखो तुम्हारा भाई सेल्फ मार रहा है इंक्लाइन बारबेल प्रेसेस। सो 17.5 के बाद मैं ट्राई करूँगा 25, जो कि मैं सपोर्ट लूँगा जाहिर सी बात है। और यहाँ पे हम लोग का ये दूसरा वेरिएशन है फ्लैट बारबेल प्रेसेस, इसमें अभी ये फ़िलहाल फर्स्ट सेट था इसलिए 10 kg से, इसके बाद सेम 17.5 और फिर 25। सो इसके 3 सेट, फिर इसके बाद हम लेंगे डिक्लाइन मशीन प्रेस के 3 सेट। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग ही 17.5 से कर रहा हूँ, सो 25 इसके बाद और फिर 35। सो इस मशीन प्रेस के भी हम लेंगे 3 सेट। इसके बाद लास्ट वेरिएशन जो होगा हम लोग का पैक फ्लाई होगा, पैक फ्लाई के 3 सेट एंड दैट्स इट फॉर द डे। आज का हमारा वर्कआउट सेशन हो जाएगा खत्म। सो गाइज ये है आज के बॉडी पंप, बहुत ही ब्यूटीफुल हम लोग का जो फिजिक है, स्ट्रक्चर है, वो नज़र आ रहा है पंप के बाद। बस एक ही चीज़ की कमी है गाइज, गेनिंग, और गेनिंग बहुत स्लो चल रही है, बट कोई नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो चलता हूँ अभी फटाफट, वर्कआउट हो चुका है, अच्छे से स्ट्रेचिंग करता हूँ और निकलता हूँ घर चल के, अपना जो डाइट वगैरह लेते हैं फिर जॉब पे जाएंगे हम लोग का जो है। सो चलता हूँ फटाफट, फिनिश करता हूँ यहाँ से वर्कआउट, पॉइंट अप करता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, थोड़े फोटोज़ क्लिक करता हूँ इंस्टा स्टोरी या पोस्ट के लिए एंड देन निकलते हैं हम लोग घर के लिए। सो गाइस वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, अब मैं जा रहा हूँ अपना प्री वर्कआउट लेने, सॉरी क्रिएटिन लेने, प्री वर्कआउट की आदत हो गई है बोल बोल के, इसमें है क्रिएटिन। सो आफ्टर जिम मैं क्रिएटिन कंज्यूम करता हूँ। सो चलता हूँ ये फिनिश करता हूँ और निकलता हूँ घर के लिए। सर गाइस मैं नहा के हो चुका हूँ रेडी और थोड़ा सा जल्दी में हूँ, 10:30 बज रहा है, 10:30 बज रहा है। सो मेरे को थोड़ा सा जल्दी स्टोर पहुँचना पड़ेगा क्योंकि कल ऑडिट हुई है स्टोर में, पूरे स्टोर की। सो स्टोर में पूरा उथल पुथल मचा है, सब फ्लोर वगैरह अनसेट है, सेक्शन अनसेट है। सो जाके सबसे काम करवा के सेट करना पड़ेगा, मुझे खुद भी काम करना पड़ेगा क्योंकि जो स्टाफ ने नाइट किया है ऑडिट के लिए, क्योंकि ऑडिट पूरी रात चलती है, कल शाम से चालू हुई थी मंडे के, आज रात सुबह तक ख़त्म हुई है। सो जो स्टाफ रुका है रात भर वो घर जाएगा और हम लोग जो घर पे थे वो स्टोर में जाके स्टोर पूरा संभालने वाले हैं। सो अभी फिलहाल फटाफट मैं ये पोस्ट वर्कआउट मील ले लेता हूँ जिसमें मसाला ओट्स और इसमें पनीर है। सो खाता हूँ फटाफट ये और देखता हूँ अगर टाइम रहा तो प्रोटीन शेक पीता हूँ, अदरवाइज शाम को मैंने प्लान किया कुछ अलग टाइप का एक डिनर, उसमें मैं थोड़ा सा कार्ब्स एंड पनीर यानी प्रोटीन एंड कार्ब्स इनटेक करूँगा और साथ में प्रोटीन शेक जो रहेगा वो पीऊँगा रात को बना के। सो चलता हूँ अभी ये पहले फिनिश करता हूँ, उसके हिसाब से देखता हूँ कितना टाइम बचा है, यहाँ तक कि कल वाली ब्लॉग भी एडिटेड नहीं है अभी तक, वो भी एडिट करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोग से। सर गाइज दोपहर के बजने वाले 12:40 हो रहा है। सो चलता हूँ मैं भी रेडी हूँ, निकलता हूँ, आज थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, हालांकि मैं और 45 मिनट्स बाद निकलता हूँ 12:30 बजे, लेकिन आज जल्दी बुलाया तो जल्दी जाता हूँ, नहीं तो फिर थोड़ा डांट सुनना पड़ेगा, 11 बजे ही बुलाया था, यहाँ पे 12:45 बजे मैं घर से निकला नहीं हूँ। सो चलता हूँ, निकलता हूँ ट्रेन लेके, चल के स्टोर में देखते हैं कैसा क्या दिन जाता है, ऑडिट के बाद कितना काम रहता है कितना नहीं, और मिलूंगा आप लोग से स्टोर में चल के। फिलहाल बैकपैक करता हूँ और निकलता हूँ सीधा ऑफिस के लिए। सो गाइस ये आ चुका है हम लोग का आज का लंच, यहाँ पे दही है, चने की सब्जी है, रोटी है। सो चलता हूँ
फटाफट फिनिश करता हूँ। साथ में अभी जस्ट मैंने पिज़्ज़ा और बर्गर खाया डोमिनोज की तरफ से, सो ये मील भी फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ। सर गाइस रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं आ चुका हूँ ऊपर बैक ऑफिस में कपड़े चेंज करने। क्या ही बताऊँ आप लोग को, कुछ स्टाफ है ना ऐसे गधे कहीं के, हर बार गाली सुनते हैं। टाइम हो गया घर जाने का ये गधे। अंकल का पानी भर देता हूँ, वॉचमैन अंकल का। फटाफट अपने शूज चेंज कर लेता हूँ। सो गाइस यार दिन आज का काफ़ी अच्छा था, आप लोगों को एक शॉर्ट में अपडेट दे दूँ अगर तो। काम बहुत नहीं था, बट जितना भी काम था उसमें मैं फंसा हुआ था। कुछ भी दिखाने के लिए या आप लोग से मिलके बात करने के लिए टाइम नहीं था। सीधा आफ्टरनून में लंच किया, आफ्टरनून में भी नहीं 5 बजे मैं लंच किया हूँ। सोचो कितना बिजी था, 5 बजे लंच किया, फिर नीचे जाके नीचे काम में बिजी हो गया। अभी जस्ट फुर्सत मिल रही है आप लोग से बात करने की, यहाँ तक कि मैंने रील्स भी आज अपलोड नहीं किए जो हम लोग की बल्क वाली रील्स है। सो चलते हैं अभी नीचे, फटाफट क्लोजिंग करना है। कोई है नहीं स्टोर में मैनेजर या दूसरा सुपरवाइज़र, मैं ही एक सुपरवाइज़र हूँ और 2 सेल्स स्टाफ है। सो चलता हूँ, उन लोग नीचे एक बिल बना रहे हैं, वो बिल होने के बाद पंच मैं लेता हूँ फटाफट स्टोर की क्लोजिंग। आज पहुँचते पहुँचते लेट होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि 10:30 बजे और मैं अभी तक स्टोर में ही हूँ। सो देखता हूँ जो भी रहेगा, फटाफट अभी नीचे जाता हूँ, क्लोजिंग करता हूँ और मैं मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। सो गाइस मैं आ चुका हूँ रिक्शे में और फिलहाल मैं आज अकेले हूँ बिकॉज क्लोजिंग में कोई था ही नहीं मेरे नवी मुंबई साइड का जो मेरे साथ आए। सो अभी फ़िलहाल वेट कर रहा हूँ, जा रहा हूँ सानपाड़ा और वहाँ से फिर ट्रेन लेके निकलेंगे हम लोग घर के लिए। सो चलते हैं, सिग्नल खुलता है एक बार तो निकलता हूँ और मिलता हूँ आप लोग से घर चल के, कपड़े चेंज करके फ्रेश। सो हे गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ और रात के बजने वाले हैं 12 और अभी जस्ट मैंने ये अपना प्रोटीन शेक प्रिपेयर किया है। साथ में है पनीर की सब्ज़ी और रोटी, बेसिक प्लेन डाइट बिकॉज मैंने मम्मी को बोला था आज सिर्फ पनीर बनाना। दिन में एक टाइम मैं एनी हाउ ये माइंड सेट रखता हूँ कि दिन में 2 बार मैं पनीर खाऊं, एक टाइम नॉर्मल खाना खाऊं। सो नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो भी वेजिटेबल्स या सब्ज़ी कह लो या जो भी कुछ खा रहा हूँ वो एक टाइम खाऊं। सो आफ्टरनून में हम लोग ने क्या खाया था आफ्टरनून में, हाँ चने की सब्ज़ी और रोटी खाया था, सो वो भी प्रोटीन था। और सुबह हम लोग ने ओट्स के साथ पनीर खाया, उसमें भी प्रोटीन मिला, और अभी ये पनीर की सब्ज़ी इसमें भी प्रोटीन है। सो ऐसे करके मैं अपनी फ़िलहाल डाइट फॉलो कर रहा हूँ गेनिंग के लिए। सो चलता हूँ और फिर लास्ट में खाना खाने के बाद ये एक स्कूप वे प्रोटीन, जो कि मेरी पूरी जो डेली की गोल्स है प्रोटीन इंटेक का वो कवर कर देगा। तो चलता हूँ अभी फ़िलहाल ये मील फिनिश करता हूँ, उसके बाद मिलके आप लोग से जो भी दिन भर की अपडेट है बातचीत है वो मैं मिलके करता हूँ। सर गाइस खाना पीना हो चुका है और रात के बज रहे हैं 1, आज काफ़ी लेट हो गया है और क्या ही बताऊँ आप लोग को, मैं स्टोर से निकला रिक्शा में बैठा और लिटरली मेरे दिमाग में ऐसा बार बार ब्लिंक हो रहा है नोटिफिकेशन जैसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, बाद में घर पे आ रहा हूँ मैं और बैग चेक किया, जैसे ही बैग निकाला कि सोचा कि फ़ोन का चार्जिंग डाउन हो गया, चार्जिंग निकालता हूँ चार्जिंग करता हूँ, फिर मेरे को माइंड में क्लू हुआ भाई मैं चार्जिंग स्टोर में भूल चुका हूँ। और लकीली इतनी अच्छी बात है कि मेरे फ़ोन में चार्जिंग है, 48% थी, अभी फ़िलहाल 40% है। सो सुबह तक का ऐसे तैसे करके निकाल लूँगा, स्टोर जाने के बाद फिर स्टोर पे चार्ज लगाऊंगा, लेकिन बच गया। अगर मेरा चार्जिंग 30% 25% होता तो मेरा मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाता, अभी वीडियो एडिट करता, वीडियो ब्लॉग शूट करता, कल सुबह ब्लॉग शूट करता, फिर जो भी एडिटिंग का काम है सब मुझे स्टोर जाके करना पड़ता, जो कि नहीं हो पाता, बहुत उतल पुतल हो जाता था। सो लकीली बच गया, थोड़ी बहुत चार्जिंग है। सो ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊँगा आप लोग से बिकॉज कैमरे से बहुत ज़्यादा बैटरी यूजेज होती है। सो बस ठीक ठाक था दिन आज का, बाकी कुछ खास अपडेट नहीं थी, नॉर्मल सा बेसिक सा दिन गया जैसा रोज़ नॉर्मली डे जाता है सबका या मेरा। सो मिलूंगा गाइज आप लोग से कल के ब्लॉग में, आज के ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोग ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।